हैं तो उसकी क्या डबल एंट्री होती है? क्रेडिट पे हमने बाय किया तो क्या डबल एंट्री होगी? परचेजेस हो जाएंगी डेबिट और अकाउंट पेबल हो जाएगा क्रेडिट। परचेजेस हो जाएगी डेबिट, अकाउंट पेबल हो जाएगा क्रेडिट। अब लेट सपोज $10,000 से हमने बाय किया, अब यहां पर परचेजेस को आपने एज अ, ये क्वेश्चन आपने किया था ना, इसको एज अ एसेट लो या एज अ एक्सपेंस लो? इन बोथ सिचुएशन डबल एंट्री तो यही रहेगी ना, कोई डिफरेंट तो नहीं होगी, ठीक है? आपने फिर जो मैं एक और इसमें पढ़ाया था क्या, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बिल्कुल है ना, जब हम फर्स्ट टाइम बाय करते हैं तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बिल्कुल ऐसे आपने इन्वेंटरी में ही पढ़ाया था। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ाया था, जब हम नॉन करंट एसेट बाय करते हैं उसमें ये इशू आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्वेंटरी में भी खत्म कर रहे थे, मैंने इन्वेंटरी में आपको एग्जांपल दी थी, एग्जांपल दी थी कि इन्वेंटरी जब बाय करते हैं तो उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं, फिर जब उसको सेल करते हैं फिर हम एक्सपेंस आउट कर लेते हैं। तो जब हम उसको बाय कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब हम उसको सेल करते हैं तो हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये मैंने आपको एज अ एग्जांपल बताया था समझाने के लिए। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. अब जब ये 10,000 की इन्वेंट्री है फॉर एग्जाम्पल, इसमें से हमने 7,000 की इन्वेंट्री सेल कर दी है और 3,000 की इन्वेंट्री जो है ये स्टिल हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब जब ये 7,000 की हमने सेल कर दी, इसकी क्या डबल एंट्री करेंगे? सेल हो जाएगी क्रेडिट और 7,000 और अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट। एक तो हो जाएगी ये, तो चलो हमने इसको 7,000 की इन्वेंट्री को सेल किया $9,000 का, ये सेलिंग प्राइस है। तो यस, अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा $9,000 से एंड सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई $9,000। एक तो एंट्री ये होगी, और भी कोई एंट्री करनी चाहिए या बस ये काफी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री का पूछ रहे हैं आप? नहीं, ये 7,000 की इन्वेंट्री सेल की है इसका पूछ रहा हूँ। 7,000 की इन्वेंट्री हमने $9,000 की सेल की है, ठीक है? 9,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे तो डिक्रीज करेंगे। वेरी गुड, तो उसकी क्या एंट्री करनी चाहिए? एक मिनट, ओके, अच्छा अब ये मुझे लगा ये सॉरी एक मिनट, सेलिंग प्राइस 9,000 है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओके हाँ, तो मेरी हो जाएगी इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी 7,000 से। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड, ये जो परचेजेस हमने डेबिट किया था एज एन एसेट 10,000 का, इसी परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट कर लेंगे $7,000 से, या इन्वेंट्री आप क्रेडिट कर लें और डेबिट आप कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? एक्सपेंस होता है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा 7,000 से। इसको बुक में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, दोनों एक ही एंट्री है। आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, जब भी आप लिख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मतलब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर विद दिस एंट्री? यस सर। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या एंट्री होगी फिर यहाँ पे? मैं बताती हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट हो जाएगी। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप क्रेडिट कर लेंगे। कितनी अमाउंट है? 3,000। यह इसको आप कह लें प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी ठीक है। और डेबिट क्या करेंगे? बैलेंस शीट में, हाँ जी, तो इसको या तो आप परचेजेस लिख लो या आप इन्वेंट्री लिख लो एज अ डेबिट।
ये हो जाएगा 3000। ये 3000 कहाँ पे जाके रिपोर्ट होगा आपकी? बैलेंस शीट में, अंडर द करंट एसेट्स, राइट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इनकम स्टेटमेंट से आपने इसको माइनस कर दिया, ये एक्सपेंस नहीं हुआ, और उसको जाके एज अ करंट एसेट रिकॉर्ड कर दिया बैलेंस शीट में, तो ये एंट्री होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पीरियड में ये भी हो सकता है कि यही क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी अगले साल में ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो फिर इसकी क्या एंट्री करेंगे? यही जो एंट्री आपने की है क्लोजिंग की, इसको रिवर्स कर देना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि अब आपने यूज कर लिया है ना इसको अगले साल में, डेबिट हो जाएगा। जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा 3000 से, और परचेजेस जो कि बैलेंस शीट में आपने रिकॉर्ड की हुई थी या इन्वेंट्री, वो क्रेडिट हो जाएगी 3000 से, नो मोर योर करंट एसेट। क्लियर विद दिस थिंग? आपने भी रिसेंटली एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड? अच्छा हाँ, ये से है। हाँ सही है, सही है, सही है। तो पहली एंट्री हमने की जब हमने इन्वेंट्री को बाय किया, सेकंड जब इन्वेंट्री को सेल किया, तो सेल्स की भी रिकॉर्ड की और इन्वेंट्री को एक्सपेंस आउट करने की भी एंट्री रिकॉर्ड की, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग के बाद जब नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी तो उसको भी रिकॉर्ड किया। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक छोटा सा है यहाँ पर, स्टॉक टेक का। स्टॉक टेक बेसिकली क्या होता है? अभी तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि इतनी इन्वेंट्री बाय की और इतनी इन्वेंट्री क्लोजिंग रह गई। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कैसे पता चलता है कि कितनी रह गई है रियल लाइफ में? इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा लास्ट डे ऑफ द ईयर होता है तो हम स्टॉक टेक करवाते हैं। स्टॉक टेक क्या होता है कि आपके अकाउंटेंट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके वेयर हाउस में जाते हैं और वो देखते हैं कि रिकॉर्ड्स में कितनी इन्वेंट्री या स्टोर लेजर में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री आ रही है। लेट सपोज स्टोर लेजर के हिसाब से जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स आ रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर उसके बाद वो अकाउंटेंट्स की जॉब क्या होती है कि वो वेयर हाउस में जाएं और वन बाय वन सारी इन्वेंट्री को काउंट करें। अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 10,000 यूनिट्स, तो स्टॉक में भी 10,000 यूनिट्स आनी चाहिए। और अगर वो 10,000 नहीं आ रही, 9,000 आ रही है, 9,005 आ रही है, सो मीन कुछ और इन्वेंट्री जो है वो या तो लॉस्ट हुई है या स्टोलन हुई है या डैमेज हुई है, तो फिर आपने क्या करना होगा? अगेन राइट ऑफ करना होगा। तो ये राइट ऑफ का हमें कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलता है कि हम या तो स्टॉक टेक करवाते हैं या इसको हम कहते हैं स्टॉक काउंट, स्टॉक काउंटिंग, स्टॉक काउंट, स्टॉक टेक। तो ये एक्चुअल में होता है हर साल के एंड पे, जस्ट टू काउंट योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ताकि आपकी फिजिकल इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी इक्वल टू फिजिकल इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एज पर स्टोर लेजर। क्लियर विद दिस थिंग? और फिर ये सॉरी किसकी स्टॉक टेक की? एक कंटिन्यूअस था और एक नहीं है, फिर वन में पड़ा। वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट की टाइप्स होती हैं, पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये होता है कि उसमें आप जैसे जैसे आपके पास इन्वेंटरी आती रहती है तो लाइफ हो फाइफ हो या एफ को कोई भी मेथड यूज करके कंटिन्यूसली आप इन्वेंटरी को यूज करते रहते हैं। दूसरी होती है पीरियोडिक। पीरियोडिक में ये होता है कि एक रेट आप निकाल लेते हैं पूरे साल का और उसी पे सारी इन्वेंटरी को इशू करते रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर कंटिन्यूस इन्वेंटरी चल रही होती है तो वहाँ पर साल के आखिरी दिन में एक दिन के लिए आपको अपना काम रोकना पड़ता है ताकि आप स्टॉक टेक करवा सकें, ठीक है। Yes, sir. Clear with this thing? Okay. Yes, sir.